आजकल नोटिस भेजने वाला स्कैम भी चल रहा है। किस तरह का नोटिस? इनकम टैक्स नोटिस। ये जो नोटिस होता है वो फर्जी इनकम टैक्स नोटिस होता है और वो आपको ईमेल पे भेजा जाता है। किसकी ईमेल पे? अगर आप में से कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं भी करते हुईगा ना, तो ये नोटिस उन सभी लोगों को भेजा जाता है जिसका डेटा कलेक्टिवली कहीं पे स्टोर किया गया है, जहां पे ये माना जाता है कि ये सब पर्सन का इनकम इतना ज्यादा हो सकता है और उसको ये लगता है कि ये सब बंदा जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा। और जो जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, अगर उसके पास इनकम टैक्स नोटिस का कोई मेल आता है तो थोड़ा सा टेंशन में आकर के उस अटैचमेंट को जरूर खोलता है या वो ईमेल दिया गया है उस नंबर पे कांटेक्ट करने का कोशिश करता है, या अगर उसमें कोई फाइल है तो वो फाइल को वो डाउनलोड करने का कोशिश करता है, राइट। लेकिन जो लोग इनकम टैक्स कभी भरे ही नहीं, उनकी यहाँ अगर ईमेल आता है तो वो जानता है कि यार मैंने तो कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं, तो ऐसे में इनकम टैक्स का नोटिस आने का कभी सवाल ही नहीं बनता। लेकिन उसमें से कुछ और लोग भी होते हैं जो कभी इनकम टैक्स नहीं भरते हैं लेकिन ईमेल आईडी जो है उनके एक्सेस है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल है, और कभी ईमेल खोलते हैं तो जब इनकम टैक्स नोटिस देखते हैं तो वो टेंशन में आते हैं, यार मेरा कहीं इनकम जो है पता तो नहीं चल गया, इसीलिए तो इनकम टैक्स नोटिस तो नहीं आ गया। तो यहाँ पे दो तरह के लोग जो है इस तरह के स्कैम या फ्रॉड में फंसने का संभावना रहता है उन लोगों का। दो तरह के लोग कौन कौन? पहला वही जो कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए, उनको टेंशन है कि मेरा जो संपत्ति ज्यादा है शायद इनकम टैक्स के नजर में आ गया, जबकि वो इनकम टैक्स नोटिस फर्जी रहता है, पहला। और दूसरा, जो सच में इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं लेकिन उनको लगता है कि मैंने कुछ इनकम छुपाया है और शायद हो सकता है कि इस कारण से इनकम टैक्स नोटिस आया होगा। और ये दोनों कंडीशन में लोग इस तरह के फ्रॉड करने वाले के चंगुल में फंस करके अपना पैसा बर्बाद करते हैं या तो बैंक खाली करवा लेते हैं। अब आपको ये समझना जरूरी है कि अगर कभी भी आपके पास फर्जी इनकम टैक्स नोटिस जाए तो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो जो नोटिस है ओरिजिनल है कि फर्जी है ना? अगर ओरिजिनल है तो बात ही अलग हो जाता है, लेकिन फर्जी है तो आप अलर्ट हो जाइए, है ना। तो सबसे पहली बात कि इनकम टैक्स के वेबसाइट पे ऑलरेडी एक सेक्शन बना दिया गया है। इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे तो जहां पे ऑथेंटिकेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है कि जो भी नोटिस आपको भेजा गया है ना उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि ये नोटिस सच में जेन्युइन है या फर्जी है। कैसे कर सकते हैं? उस सेक्शन पे आप अपना पैन नंबर का इस्तेमाल करके फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा और इसके बाद आगे जा करके आप पूरा डिटेल जो नोटिस में दिया गया है वो सब जब डालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि नोटिस जेन्युइन है या फर्जी है। दोस्तों, इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो फ्रॉड करने वाले लोग भी अलग अलग तरह से तरीका अपनाते हैं। ऐसे में हम या हमारे जैसे लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, खासकर उन लोगों को जरूरत है जो नए नए टेक्नोलॉजी के फील्ड में आए हैं या जिनके लिए पैसा तो आम बात है लेकिन टेक्नोलॉजी नई बात। जैसे हमारे से एक जनरेशन के ऊपर के लोग के पास जो अर्निंग मेंबर है, अच्छा खासा जो है एम्पायर बना के रखे हुए हैं, पैसा जो है कमा के रखे हुए हैं, लेकिन उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा समझ नहीं है। वो स्मार्टफोन तो रखते हैं लेकिन स्मार्टफोन से फ्रॉड कैसे हो सकता है, डिजिटल जमाने में फ्रॉड कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं रहती है और इस तरह के फ्रॉड करने वाले लोग फ्रॉड करते हैं। तो मैं आप लोग से उम्मीद रखता हूं कि इस तरह के इंफॉर्मेशन जो मैं आपको अपने आप को सिक्योर होने वाला बताता हूं तो ये आप तो सीखे ही, साथ साथ उन लोगों के साथ शेयर करके उनकी जानकारी बढ़ाइए ताकि वो कभी भी इस तरह के फ्रॉड करने वाले के चंगुल में ना फंसे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कॉमेंट में जरूर बताएंगे।